देखिए बेटा, आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बेसिकली हमारी बुक का चैप्टर नंबर 5 है और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। अगर बेसिकली हम लोग लिस्ट करें कि क्या क्या टॉपिक्स हमको कवर करने हैं इस चैप्टर में, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं और आमतौर पर बड़ा क्वेश्चन आता है इससे। सबसे पहले हमको इसमें सीखना पड़ेगा इस चैप्टर में न्यू रेशियो निकालना। देन हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालना। देन हम लोग सीखेंगे गुडविल एडजस्टमेंट। देन हम लोग सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन लास्ट बैलेंस शीट। ये हम लोगों के इस चैप्टर के कंटेंट्स हैं एंड बेसिकली इसी ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें स्पेसिफिकली हम लोग ये दो चीज़ करेंगे। ये बेसिकली पार्ट वन होगा। पार्ट टू में हम लोग बेसिकली गुडविल एडजस्टमेंट करेंगे, पार्ट थ्री में रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे एंड पार्ट फोर में हम बेसिकली बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। बैलेंस शीट के लिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है जी, तो बात शुरू करते हैं न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो से। सो हम लोग बेटा बात शुरू कर रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हम लोग निकालते हैं बेसिकली अपने इस चैप्टर में, तो हमें वेरियस केसेस देखने को मिलते हैं। सिंपली एक कैलकुलेशन है, कोई इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, कोई हमें अकाउंट नहीं बनाना, कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी। सिंपली क्या है, वेरियस केसेस हैं जनरली। अब देखो, हमने समझा है कि भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अब चैप्टर का ही नाम एडमिशन है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ पार्टनर्स ऑलरेडी होंगे। जैसे ये पार्टनर्स हैं, ये दोनों ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं और नया पार्टनर सी आ रहा है कि भाई मुझे अपना पार्टनर बना लो। अब हमको पता है कि हर एक फर्म में कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ठीक है, बेसिकली सी कहता है भाई मुझे कोई शेयर दे देना, तो हमको अब इसे कैलकुलेशन बना के ए बी और सी तीनों का रेशियो निकालना होता है, दैट्स इट। जैसे अगर मैं इसे अपने एग्जाम्पल में, जैसे ए और बी का रेशियो है 3:5 एंड 2:5, और मैं सी का भी रेशियो निकालना चाहता हूँ इसके कनेक्शन में, तो सी का रेशियो है वैसे 1:4। बेटा याद रख लेना, प्रपोर्शंस में जो कंप्लीट यूनिट होती है वो होती है 1। जैसे परसेंटेज में 100% होता है, वैसे प्रपोर्शंस में होता है 1। पूरी फॉर्म का शेयर कितना है 1, उसमें से हमने सी को दे दिया 1/4, तो बचा कितना 3/4। इस 3/4 से हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे और बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे। लॉजिक क्या है इसके पीछे बेटा, बहुत सिंपल है। आपने पूरी फर्म का 1/4 सी को दे दिया, तो आपके पास जो शेयर बचा वो 3/4 थी तो बचा अपने शेयर का, तो आप जब इसे सॉल्व करते हो तो 9/20, 6/20, आपको डिनोमिनेटर तीनों के सेम करने हैं तो इसका डिनोमिनेटर सेम कर देंगे 5/20। तो जो रिजल्टेंट आंसर है वो हमारा न्यू रेशो होगा 9:6:5। दिस इज़ आर न्यू रेशो, दैट्स इट। बस हमें इतना करना होता है। ये पहला केस है, इसमें और भी केसेस आएंगे। मैं आपकी बुक के हिसाब से सारे केसेस करवा रहा हूँ एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं बुक के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो कहता है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2। भाई एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं एंड उनका जो रेशियो है वो है 5:10, 3:10 एंड 2:10। बेसिकली आगे क्वेश्चन कहता है दे एडमिट ए इनटू द पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। भाई ए पार्टनरशिप में आ रहा है और उसको हम कितना दे रहे हैं, 1/5। ठीक है जी, कभी कभी क्वेश्चन में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हम एक ए को कौन बेसिकली कितना देगा, बट इस केस में कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इसीलिए हम इसका नाम रखेंगे केस वन। किताब ने कोई बाइफर्केशन नहीं करा है केसेस में, ये बात याद रखेंगे। सिंपली हम अपनी नॉलेज के लिए बना रहे हैं केसेस, सो दैट के बाद में हमें आसानी हो पढ़ने में। तो देखो बेटा, मैंने सिखाया था कि फॉर्म का कितना शेयर होता है 1, उसमें से 1/5 दिया ए को तो बचा कितना 4/5।
इस 4/5 को पुराने पार्टनर्स के शेयर से मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा तो क्या मिला हमें 20/50, 12/50, 8/50, 10/10, 10/50। तो ये हमारा क्या आया, 20:12:8:10। ठीक है जी, दैट्स इट। आप इसको बेसिकली डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर कोई कॉमन नंबर है जैसे यहाँ पे ये सब 2 से कट रहे हैं तो आप इनको काट भी सकते हैं, एंड ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज़ हाउ यू हैव टू फाइंड द न्यू रेशो। ये केस वन था। देखिए जी आगे, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रवि एंड मुकेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 7:3। दे एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर ऑफ इन द फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये केस नंबर 2 भी है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है रवि मुकेश, एंड बेसिकली क्या शेयर है उनका, उनका शेयर है 7/10, 3/10, एंड जो नया पार्टनर है हमारा अशोक वो आ रहा है 3/7 के लिए। ठीक है जी बेटा, जब आप इसे सॉल्व करने लगते हो तो ये 2/7 रवि से ले रहा है और 1/7 मुकेश से ले रहा है। ये एक अलग बेसिकली फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है, दैट्स वाई इसका नाम केस 2 है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अलग तरीका था, यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं करा। रवि बोलता है मेरे शेयर में से 2/7 ले लो, हमने माइनस कर दिया डायरेक्टली। मुकेश बोलता है मेरे शेयर में से 1/7 ले लो, डायरेक्टली माइनस कर दिया। सबको सॉल्व करना आता है, 49-20/70, 21-10/70, और बेटे से 70 बनाना है तो 10/10, 30/70 हमारा आया, 29/70, 11/70, 30/70, तो आंसर वुड बी 29:11:30। दैट्स ऑल। ये हमारे 2 केसेस हैं। ठीक है जी, ऐसे ही 4-5 केसेस और हैं, आज हम बेसिकली इस पार्ट को ख़त्म कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अगर हम अगला केस देखते हैं अपना, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है बेटा, पहले मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट बांटते हैं 7:5 में। दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर इनटू द पार्टनरशिप हु गेट्स 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। ही एक्वायर्स हिज शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। ये वाला जो केस है बेटा, वही केस है जो अभी हमने करा है, तो इसको स्किप कर देंगे। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसके अगला भी जो केस है जिसमें ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 3-1 में प्रॉफिट बांटते हैं और एडमिट करते हैं डी को, दिस इज ऑल्सो दी सिमिलर केस, तो इसे भी स्किप कर देंगे। भारती और आस्था पार्टनर्स हैं, अगला क्वेश्चन है, 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं, दिनकर को एडमिट कर रहे हैं। ये हमारा केस नंबर 3 है। अगर आप बेटा क्वेश्चन देखें ध्यान से तो क्वेश्चन कहता है भारती एंड आस्था 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है जी, उनका शेयर है बेटा 3/5 एंड 2/5। नया पार्टनर कौन आ रहा है, दिनकर। दिनकर जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। आगे अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट बेसिकली वो कहता है कि दिनकर अपना शेयर बराबर लेगा भारती से एंड आस्था से। एक सेकेंड, हम लोग बेसिकली इसको आगे जब सॉल्व करते हैं बेटा तो क्या मिलता है हमको, 3/5-1/10, 2/5-1/10, एलसीएम लेंगे 6-1/10, यहाँ पे भी 10 आएगा एलसीएम, 4-1, 5/10, 3/10। यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करेंगे 2/2, तो ये आएगा हमारा 2/10। हमारा आंसर आता है 5:3:2। ठीक है बच्चों, अगर अब बेटा हम इसी क्वेश्चन में सैक्रिफाइजिंग रेशो का कंसेप्ट भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूं तो क्या होगा। सैक्रिफाइजिंग रेशो ये बताता है कि पुराने पार्टनर्स ने अपने शेयर में से कितना लूज करा नए पार्टनर को प्रॉफिट देने के लिए। बहुत सिंपल है इसका फॉर्मूला बेटा, इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और हमेशा ये बात याद रखेंगे, ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए निकलता है। अब जैसे यहाँ पे भारती एंड आस्था के लिए निकलेगा, तो भारती आस्था
बेटा इनका ओल्ड रेशो क्या है? 3/5, 2/5। न्यू रेशो क्या है बेटा? न्यू रेशो निकला है 5/10 एंड 3/10। नए पार्टनर का नहीं निकलता, ये दोबारा से बता रहा हूँ मैं। एलसीएम लेना आता है आप सबको, एलसीएम आएगा बेटा 10, 6 माइनस 5। यहाँ पे बेटा फिर से एलसीएम आएगा 10, 4 माइनस 3। आप इसे सॉल्व करेंगे 1/10, 1/10। आपका सेक्रीफाइजिंग रेशो हो जाएगा 1:1। इसमें बेसिकली डिनोमिनेटर इक्वल लाना होता है, लेकिन उसको डिस्कार्ड कर देते हैं बाद में, तो जो न्यूमरेटर होते हैं वही आंसर होते हैं हमारा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्रीफाइजिंग रेशो एंड केस 3 ऑफ द न्यू रेशो। आगे बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे हमारे। चलिए जी, बेसिकली हम लोग केस 3 का एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ी क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है भारतीय आस्था वाला, ये थोड़ी सी कम क्लैरिटी देता है हमको। तो क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 में। Z is admitted as a partner with 1/4 share in the profits. Z acquires his share from X and Y in the ratio 2:1. बेटा Z आ रहा है और Z कहता है कि भाई मेरे को 1/4 share दे दो। भाई 1/4 share का बेटा 2/3 part X दे रहा है और 1/4 का 1/3 part Y दे रहा है। ये इसका implication है ratio का। सबको ये solve करना आता है, बॉड मास लगाएंगे। 3/5 minus 2/12, 2/5 minus 1/12। एलसीएम लेंगे 36 minus 10 upon 60, 24 minus 5 upon 60। यह आएगा बेटा 19/60, यह आएगा 26/60। इसको 60 बना देंगे, 15/15, यह आएगा 15/60। रेशो बना 26:19:15, ये हमारा आंसर है। अगर हम इसी में सैक्रिफाइजिंग रेशो निकालना लग जाएं, सेक्रीफाइजिंग रेशो में आपको अलग से नहीं बताऊंगा मैं, इसीलिए इसमें इंक्लूड कर रहा हूं हर एक क्वेश्चन में। एक्स एंड वाई का अगर हम निकालते हैं तो बेटा एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशो क्या है? 3/5, 2/5। न्यू रेशो क्या है बेटा? 26/60, 19/60। सबको एलसीएम लेना आता है, एलसीएम आएगा 60, 36 माइनस 26, यहाँ पर भी एलसीएम आएगा 60, 24 माइनस 19, इसे सॉल्व करेंगे आएगा 10/60, यह आएगा 5/60। आपको बात सिखाई थी डिनोमिनेटर को बेसिकली कंसिडर मत करिए, यह आया 10:5, सेक्रीफाइजिंग रेशो आया 2:2। दैट्स इट। तो ये बेसिकली हमारा केस 3 तक कंसेप्ट था। अब आगे बात करते हैं केस 4 पे, 5 पे एंड 6 पे। देखिए जी, अगला जो क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपका केस 4 है। तो केस 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो बेटा अब बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 का क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। आरएनएस पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3 में। 5/8, 3/8। टी आ रहा है फर्म में, टी जॉइन्स द फर्म एज अ न्यू पार्टनर। आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड एस गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर टू द न्यू पार्टनर। बेटा आर कहता है मेरे शेयर का 1/4 लेकर टी को दे देना, और एस कहता है मेरे शेयर का 1/5 लेकर टी को दे देना। ठीक है, टी का कोई शेयर बताया नहीं हुआ हमें अभी। अगर हम सिंपल मैथ लगाएं जो बचपन में हमने सीखी थी, तो क्या होगा बेटा? यहाँ से माइनस होगा 5/8 का 1/4, और ये मिल जाएगा टी को 5/8 का 1/4। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो बेटा यहाँ से माइनस होगा 3/8 का 1/5। ठीक, और इसे हम प्लस कर देंगे 3/8 का 1/5। सबको सॉल्व करना आता है, इसे सॉल्व करेंगे 5/8 minus 5/32, 3/8 minus 3/40 = 5/32 plus 3/40। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 32 एलसीएम आएगा, 20 minus 5, यहाँ पे एलसीएम लेंगे बेटा 40 आएगा, 15 minus 3, यहाँ एलसीएम लेंगे 160 आएगा, 5 into 5 = 25 plus 12। आगे सॉल्व करते हैं बेटा, 15/32, ये आगे आएगा 12/40, ये आ रहा है 37/160। बेटा 160 को तो 40 और 32 बनाया नहीं जा सकता, लेकिन 32 को 160 बना सकते हैं और 40 को भी 160 बना सकते हैं।
तो ये हमने करा, तो यह हमारा 75/160, 48/160, 37/160। तो हमारा आंसर है 75:48:37। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू बेसिकली डू दिस केस। ये हमारा केस नंबर 4 था। सेक्रीफाइजिंग रेशो हमको ऑलरेडी निकालना आता है। अब अगर हम आगे बात करते हैं बेटा, तो आगे जो हमारा केस है, अगला जो क्वेश्चन है कबीर एंड फारिद वाला, आप देख सकते हैं कबीर एंड फारिद आर पार्टनर्स। स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। इन अ फर्म इन 7:3 कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड फारिद सरेंडर्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति द न्यू पार्टनर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए जी क्या हो रहा है, ये जो केस है, ये वाला केस एंड वो वाला केस बहुत मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी हम उस वाले केस को एक नई कैटेगरी में डालेंगे। क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको इसके लिए बेसिकली पिछला क्वेश्चन कंपेयर करना ज़रूरी है। क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर एंड फारिद दो पार्टनर्स हैं, एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है हमारे पास ज्योति। अब बेसिकली यहाँ पे 7/10 एंड 3/10 के लिए दोनों आ रहे हैं। एंड बेटा ज्योति जो है उसका शेयर नहीं बता रखा हमको, हमको बस इतना बताया हुआ है कि कबीर अपने शेयर में से 2/10 दे रहा है और फारिद अपने शेयर्स में से 1/10 दे रहा है। उसे हम डायरेक्टली यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्यों प्लस करा है, पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था इस तरीके से, ठीक है, लेकिन इस बार मैंने डायरेक्टली माइनस करा है। क्यों बेटा, फ़र्क ये है कि इस क्वेश्चन में लिखा है कि दे सरेंडर फ्रॉम देयर शेयर। जब भी बेटा फ्रॉम लिखा है ना, तो आपको डायरेक्टली बस माइनस करना है। जिन लोगों को कन्फ्यूजन है ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं। और जब भी बेटा लिखा है ऑफ हिज शेयर, तो बेटा ऑफ हिज शेयर है तो मतलब कोई ना कोई रेशो दिया होगा, मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा और माइनस भी होगा। फिर जैसे पिछले केस में ऑफ हिज शेयर लिखा था क्वेश्चन में, तो बेसिकली उन्होंने 5/8 का 1/4 दिया, वो माइनस हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को नोटिस करेंगे। अभी क्वेश्चन बहुत आसान है सॉल्व करना, इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 5/10, 1/10, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, एंड 3/10, आपका आंसर आ गया 5:2:3। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू हैव टू बेसिकली डू दी कैलकुलेशन हियर। दिस वॉज योर केस 5। आगे अगर बात करते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9। बेसिकली जो मैं PDF देख रहा हूँ वो पुराना एडिशन है, तो हो सकता है क्वेश्चन के नंबर्स आगे पीछे हों, इस वजह से मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर भी कर रहा हूँ। इसमें बेटा आप एक क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 4। ये हमारा केस 6 है, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 4। क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं बेटा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3/6, 2/6, 1/6 एंड डब्ल्यू उनकी फर्म को ज्वाइन करता है। डब्ल्यू जो है वो कहता है कि भाई मुझे 1/6 दे दो, ठीक है, लेकिन बेटा एक शर्त है, जेड वुड रिटेन हीज ओरिजिनल शेयर। जेड कहता है मैं कुछ नहीं दूंगा डब्ल्यू को, जो भी देंगे एक्स एंड वाई देंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस कैलकुलेशन को करने के लिए क्या है, बहुत आसान है बेटा, आपको देखना पड़ेगा कि जो पार्टनर्स बच गए, जो कह रहे हैं कि हम शेयर देंगे, उनका रेशो क्या है। उनका रेशो है 3:2, ठीक है, डिनोमिनेटर को डिसरिगार्ड कर दीजिए। अभी बेटा हमने यहाँ पे क्या करना है, बेटा डब्ल्यू को कितना देना है, 1/6, तो 1/6 का 3/5 हिस्सा किसने दिया, एक्स ने दिया, और 1/6 का 2/5 का हिस्सा किसने दिया, वाई ने दिया। जेड कुछ नहीं दे रहा, डब्ल्यू को मिल रहा है। आप इसे सॉल्व करना जानते हैं, 3/6 - 3/30, 2/6 - 2/30 से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 15 - 3/30, 10 - 2/30, इसे सॉल्व करेंगे 12/30, इसे सॉल्व करेंगे 8/30। अब बेटा 30 लाना है यहाँ पे, तो 5/5, यहाँ पे भी 5/5, 5/30 एंड 5/30, आंसर आया 12:8:5:5, दिस इज़ योर न्यू रेशो।
सो दीज वर योर केसेस, ठीक है। इसके अलावा कोई एक आध क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा यूनिक सा है, लैंग्वेज कन्फ्यूज कर सकती है, तो बेटा उसके लिए एक सिंपल सजेशन है, आप क्वेश्चन करिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिकली एक नंबर मिलेगा, आप उस नंबर पे अपने डाउट्स भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, वो आंसर्स कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल थी, थैंक यू वेरी मच।